हेलो फ्रेंड, आज हम उम्र निकालना सीखेंगे। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि दी गई हो तो उसे आज की तारीख या किसी भी तारीख से उसकी उम्र के बारे में कैसे पता किया जाए वो हम आज सीखते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति की जन्म तिथि दी गई है 2 जून 1996 यानी 2/6/1996 और आज की तारीख हम लेते हैं 7 अगस्त 2023 यानी 7/8/2023। तो जन्म की तिथि से आज के समय तक उसकी उम्र कितनी हुई है इसके बारे में पता करते हैं। तो पहले हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, दिन माह और वर्ष के फॉर्मेट में दोनों को अरेंज कर देंगे और आज की तारीख को ऊपर लिखेंगे और जन्म तिथि को नीचे लिख देंगे। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और माह 8 है, 8 में से 6 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 2। अब इसके बाद वर्ष को माइनस करते हैं, 3 है, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेगा। इसके बाद 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 1 और 1 कैरी लेगा तो 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0, 0। यानी इसका जो है जन्म तिथि से लेकर के आज की तारीख तक 27 वर्ष 2 माह 5 दिन हुआ। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था तो इसलिए निकाल लिए। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कैरी आ जाए या छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ जाए तो कैसे माइनस करेंगे, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन भी। अब इसको इसमें जो जन्म की तिथि है अलग है, 28/9/2001 यानी 28 सितंबर 2001 और इसको आज की तारीख सेम रहने देते हैं 7 अगस्त 2023 और इसको माइनस करना है। इसको पता करना है कि इसके इस व्यक्ति का उम्र जो है आज की तारीख तक कितना होगा। तो इसके लिए क्या आप 7 में से 28 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 1 इधर कैरी लेंगे तो 1 यानी 1 माह कैरी आएगा और यह माह कौन सा है, अगस्त माह है। अगस्त माह कितने दिन का होता है, 31 डेज का। तो अगस्त माह 31 डेज का होता है यानी कि ये 31 अब इसमें ऐड हो जाएगा। इसको बाहर प्लस कर लेते हैं, 31 और +7 38 हो गया, 31 और 7 38 हो गया। अब इस 38 में से इस 28 के माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 डेज और यही 10 डेज हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से तो हम 1 माह कैरी कर चुके हैं तो यहाँ बचेगा 7, अब यहाँ 7 ही बचा, लेकिन 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, इस ईयर वाले में से हम इसको कैरी लेंगे, लेकिन ईयर में से जब कैरी लेंगे तो ईयर क्या होता है, एक ईयर में कितने माह होता है, 12 मंथ होता है। तो अब ये 12 मंथ इसमें जा करके ऐड हो जाएगा तो 12 + 7 19। अब इस 19 में से 9 को माइनस करेंगे तो 10 मंथ। अब देखो, अब यहाँ से 2023 था जिसमें से 1 मंथ हम कैरी ले चुके हैं तो यहाँ बच गया अब सिर्फ, यहाँ अब यहाँ सिर्फ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और यहाँ 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही होगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 यानी 21 वर्ष 10 माह 10 दिन इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम किसी भी जन्म तिथि को किसी भी समय या किसी भी तारीख को अगर हम निकालना चाहें तो इजीली निकाल सकते हैं।